जंगलों के बीच से गुजरता यह रास्ता एक छोटे से आदिवासी बहुल गांव जामनिया खुर्द को जाता है। यह गांव हरदा शहर से 70 किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते पे बसा है। आज यहां ग्राम सभा का आयोजन है। पानी, राशन, लकड़ी जैसी बुनियादी जरूरतों को जुटाने में व्यस्त जामनिया की महिलाओं ने आज ग्राम सभा में जाने का मन बनाया है। पहली बार गांव की आम सभा में जाने का उत्साह उनमें साफ साफ झलक रहा है। चाहे गांव के जातीय फैसले करने वाली जाति पंचायत हो या ग्राम सभा की बैठक, महिलाओं को उनमें शामिल होने का अभी तक कोई मौका नहीं मिला है। पंचायती राज में मिले हक के बावजूद महिलाएं ग्राम सभा में अभी तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन आज सालों से चली आ रही परंपरा बदल गई है। जामनिया में मर्दों से ज्यादा महिलाएं ग्राम सभा में पहुंची। न केवल महिलाएं ग्राम सभा में पहुंची बल्कि अपनी बात भी रखी और फैसले पर विचार विमर्श भी किया। यह सब संभव हुआ गांव में सखी पहल कार्यक्रम के द्वारा गठित सखी मंच के गठन से। सखी मंच के माध्यम से महिलाएं अब आगे आकर अपने से जुड़ी बुनियादी जरूरतों, पढ़ाई लिखाई, पानी, स्वास्थ्य की समस्या, सामाजिक मुद्दों आदि पर सोच विचार कर रही हैं। आइए देखते हैं कि आज ग्राम सभा में क्या क्या हुआ। सरपंच महोदय के द्वारा झंडा वंदन का कार्यक्रम के संबंध में अपन ने पहला एजेंडा अपना ये था, तो ये कार्यक्रम तो अभी अपना हो गया है। अब दूसरा अपने पास ये एजेंडा है कि जो गरीबी रेखा की जो सर्वे सूची है उसको पढ़कर सुनाना है, उसका प्रकाशन है, उसके विषय में अपन अभी मतलब बताएंगे। और तीसरा ये है कि आम ढाना में हैंडपंप लगाने के संबंध में चर्चा करना है और उसका प्रस्ताव कार्रवाई करेंगे। और चौथा है कि जो उचित मूल्य की जो दुकान के संबंध में अभी अपने यहाँ गांव में बंद है तो उसके संबंध में भी अपन चर्चा करेंगे और क्या मतलब उसका विचार होता है, उसकी मतलब कार्रवाई अपन करेंगे आगे। और पांचवा है जो स्कूल के संबंध में चर्चा है, भाई स्कूल लगती है नहीं लगती, क्या गुरुजी की परेशानी है कि गाँव वालों की परेशानी है कि बच्चों की जो भी है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। और पास में है शौचालय बनवाने के लिए सबको प्रेरित करना है और सबको समझाइश देने के संबंध में चर्चा करेंगे। अपने पास छह एजेंडे हैं। मतलब ग्राम सभा की बैठक के शुरू में ही महिलाओं ने अपने नन्हे मुन्नों के भविष्य की चिंता करते हुए आंगनवाड़ी के मुद्दे को खास तरजीह दी। ये हमारा मोहल्ले में आंगनवाड़ी बनाना चाहिए केंद्र खोलने के लिए। हाँ, जो बच्चा है वो इधर जाए तो दूर पड़े, इधर आए तो ये नदी पड़े, तो बीच में हम रुके हैं। आना भी चाहिए, तुम सभी आना भी, हर मीटिंग में आना भी। सब भाइयों ने ऐसे घोसली मत करवाना, हर मीटिंग में जब धरेंगे जब सब आप मन से आ जाना, एक बार डोंडी पीट देंगे कोई भी, अपने आप मन से आना भी चाहिए सब, तब होएगा वो। जब बात जिंदगी से जुड़ी अहम सुविधाओं की हो तो सवाल उठ ही जाते हैं। ग्राम सभा में चर्चा के दौरान महिलाओं ने न केवल पानी की समस्या पर अपनी बात रखी बल्कि यह भी पक्का किया कि समस्या कब तक हल हो जाएगी। नल जल योजना है, ये कब तक ये अपने गांव में आ जाएगी? पानी की बहुत समस्या है, हम वहाँ से इतने दूर जाते थक जाते बहुत, यानी कि 5-6-7-8 बार पानी लाते, तो ये आप बता दें कि कब तक आएगी पानी। विधायक निधि से पैसा मंगा, उनको प्रस्ताव भी दिया है और उन्होंने अपने को आश्वासन भी दिया है कि मैं बहुत जल्द आपको पैसा दूंगा, तो वो पैसा आएगा तभी अपन उसको बढ़ाएंगे, तो इसकी जानकारी अपन अगली मीटिंग में आपको हम दे देंगे। इस विषय में आपको हम अगली मीटिंग जो रहेगी उसमें आपको जानकारी दे देंगे कि नल जल कितने दिन में आगे बढ़ेगी। सवाल जब रोटी का हो तो बात आमने सामने ही करनी पड़ती है। सखी मंच की महिलाओं ने पहले से ही राशन दुकान की समस्या पर बात करने के लिए डीलर को बुलवाने की अर्जी पंचायत को दे दी थी। डीलर ग्राम सभा में हाजिर हुए और सबके सामने राशन की कमी होने के कारणों को बताया और सबने मिलकर इस समस्या का हल निकालने का तरीका ढूंढा। जनता को दे दिया दान में, पैसा नहीं आ रहा क्या उसके पास? आपके समिति के अंतर में मुझे एक शासकीय उचित मूल्य दुकान दिया गया है और 25,000 रुपया तेंदुपत्ता समिति ने मुझे खाता में दिया और दुकान लाना और बांटना, तो 90,000 का दुकान है सरकार का और 25,000 में मैं 3 साल चलाया और नहीं चलाया तो बता दीजिए। और 7 गांव से 8 गांव 10 गांव है, सभी भाई बंद है, कौन दुकान में आता किसको मना करूं? और
मेरा कोई ना तो वेतन है ना मानदेय है ना कुछ नहीं है। एक कुंटल पे 8 रुपया तोलते तोलते चार आदमी को बांटा, 2 किलो कम हो गया तो 8 रुपए वहीं घुस गए। मतलब 2 किलो तो 1 कुंटल फिर क्या दाना नहीं गिर जाता? अरे वो तो अरे कुंटल से ज्यादा गिर जाता है, पर वो क्या समस्या होता है। उसके बाद 2 महीना दुकान सरकार ने बंद करी तो दुकान को वापसी में 20,000 रुपए लग गया, रिकॉर्ड मेरे पास है। अब वो 25,000 में 1 रुपए जेब में नहीं है, 2 महीना दुकान बंद है, 1 रुपए जेब में नहीं है। समिति की दुकान है, आपके पास पैसा है, अभी लाता हूँ, मेरे को पावर है, अब क्या करूँ? बोलो उसमें संबंध में अपन क्या करेंगे, आज के प्रस्ताव लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ 2 महीने से उचित मूल्य की दुकान बंद है। बंद होने का कारण यही है कि मतलब अभी मतलब जो माल उठाने के लिए जो हमारे पास राशि नहीं है, तो उसके संबंध में अगर हमारा राशि जमा करो बैंक में तो उसका मतलब माल उठता है, तो उसके लिए मतलब डीलर के पास पैसे नहीं है, तो इसके लिए अपन चर्चा करके चर्चा की ग्राम सभा में चर्चा करने के बाद अपन ये कार्रवाई करते हैं और शासन को लिख के भेजते हैं। अगर शासन अगर अपन को मंजूरी देती है तो अपन को माल मिल जाएगा, और नहीं तो फिर उसकी जो भी समस्या आएगी वो अपन वहाँ से अपन लेंगे, इसमें किसी को शिकायत नहीं होगी, जानकारी आएगी तो हम मीटिंग में आपको सबको बताएंगे। दुकान जैसे आपने सोसाइटी की बात चर्चा चल रही थी उसमें अपन को 2 महीने से अभी राशन पानी नहीं मिल रहा है, तो उसके संबंध में अपने चर्चा की, डीलर से भी चर्चा की, आपके सामने भी चर्चा की, आपने भी समस्या बताई और ये समस्या सबको मालूम हुई, तो आज उसकी अपन प्रस्ताव लेके और बनती कोशिश तो ये मान के चलो कि अपन को अगले महीने तक राशन अपनी दुकान पे आ जाए, ये कार्रवाई अपन करते हैं और अगले महीने में अपन को हो सके कि हम तो सचिव साहब कि आप कोई से भी खाते से पैसे निकाल कर के और अनाज लेके आओ तुरंत तत्काल। जब मामला बच्चों के भविष्य का हो तो चिंता सबको होती है, जब बात पूरे गांव की हो तो गुरुजी को भी हाजिरी लगानी ही पड़ती है। जामनिया की ग्राम सभा में पहली बार गुरुजी और महिलाओं के बीच पढ़ाई के मुद्दे पर बातचीत हुई, जहां गुरुजी ने बच्चों की स्कूल न भेजने की चिंता बताई, वहीं लोगों ने स्कूल रोज लगाने और पढ़ाई लिखाई ठीक करने के लिए उन पर दबाव भी बनाया। लग रहे बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं मगर उनको कोई ज्ञान नहीं गया है, स्कूल क्या लग रही है, कभी लगती कभी नहीं लगती है, तो ये बात है। 8 दिन में 1 बार लगे और पूरा पार पड़ रहे तो कई मतलब का तो अभी आप 5वीं के बच्चों से पूछे उनको कुछ भी नहीं आएगा, एक एक खड़ी होनी पड़ेगी, 1 दिन स्कूल लगेगा, फिर बच्चे उनको फिर पास करेंगे, फिर आगे पहुँचाएगा, फिर पास कर लिया ले लिया उनको और फिर पहुँचाएगा तो फिर वो क्या कर सकेगा, फिर वो क्या गुरुजी उनको बताएगा। भाई महीने में 2-4 दिन तो 4 दिन तो छुट्टी भी रहती है, 2-4 दिन गुरुजी इनके यहाँ का 2 अपरवेशी है। अच्छा, जो कि एक तो नियमित ढंग से आता है और एक कभी हफ्ते में एक बार आता, फिर गोल तो शायद माँ बाप तो भेज देते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते, और इनके सामने इनके बच्चे को एक दिन लेने गए। गए कि नहीं बच्चे को तो तुम लेने गए, पर तुम डेली स्कूल लगाए तो बच्चे उनके कैसे नहीं जाएगा, वो तो जाएगा। बच्चे के माँ बाप को कहना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे नहीं आते क्या, तो स्कूल लगते भी नहीं लगाते हो जाए, फिर वो तो अब तुम ये एक दिन स्कूल लगाएगा और एक दिन नहीं लगाएगा तो बच्चे उनको घूमने लगेंगे। काम बाकी है, उसका खाता हस्तांतरण करना है अपने नए अध्यक्ष, तो उसके विषय में हम जेएसके के जो प्रभारी है वो कहते हैं कि सिरालीहाव खाता का हस्तांतरण वहाँ करवाना है। अच्छा, तो जिस भी बार गए हैं ये हमारे अध्यक्ष भी बैठे हैं, हम उस समय वापस आए, उस पीरियड में क्या है बच्चे का रोलिंग टूट जाता है, वो सुबह से निकल जाता है और यहाँ से घंटी लगती है। तो हमारे कहने का मतलब ये कि ये काम आप हर महीने ही कर रहे हैं, मतलब खाता करवाने का या मतलब जो भी है वो? अब जैसे कौन सा पीरियड में हम कहाँ गए थे इसका तो खैर हमारा रजिस्टर में ही है कि कौन से दिन डेट है, तो उसमें से आपको जानना है। आपका रजिस्टर ला के और इनको सभी को बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में यानी बच्चों की देखरेख करने वाली माँ होती है, माँ का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चे जा रहे हैं कि नहीं स्कूल, उनको तैयार करके भिजवाने का ये वो करना चाहिए, माँ जा रहे हैं बच्चे पहुँचाइए। और आप ये देखिए आके, आप प्रत्येक माँ आके देख सकती है अपने बच्चे को कि स्कूल में है कि नहीं। दोस्त उसी को ठहरा, अब करेंगे सभी माँ हूँ जिसके जिसके बच्चे पढ़ते हैं। पालक शिक्षक संघ के सदस्यों का भी दायित्व बनता है कि वो भी आके देखें,
नहीं देखता बैठे रहे। नहीं, जो बच्चे ज्यादा नहीं आते हैं तो आप उनके घर में जाके बोलिए, या तो फिर गुरुजी को बोले कि ये बच्चा क्यों नहीं आया, उनके माँ बाप को बुला के आप मीटिंग रखी है हफ्ते में। वो तो रहती है मीटिंग, बालक माँ बाप ही नहीं आना चाहते ना, क्यों नहीं आना चाहते, फिर आपका हम बच्चे का नाम काट देंगे, ऐसा आप नहीं आते। जो आपने पालक संघ के वो सदस्य बनाए हैं, हाँ, उनको खड़ा करो, उनके बच्चे जाते कि नहीं जाते, सबको खड़ा करके बोलो पहले बात, और उनका भी दर्ज संख्या और इनकी उपस्थिति को बिल्कुल आप उनको देखो, उनके बच्चों की दर्ज संख्या जो उपस्थिति है प्रेजेंट उनको देखो आप, और क्यों नहीं भेजते, क्या कारण है, तो आप उनको खड़े करो ना, सरपंच साहब खड़े करो आप। आपने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में बच्चों को कुछ नहीं आता, तो ये समस्या आज आपने सबके सामने रखी, सबने सुनी, माँ साहब ने भी बताया, आपकी भी समस्या सुनी, तो इसमें केवल गुरुजी की गलती नहीं है, माँ बाप की भी गलती है कि आप मतलब डेली बच्चों को स्कूल में पहुँचाए, उसके बाद गुरुजी की भी थोड़ी गलती है कि अगर कहीं जाए तो मतलब थोड़ा सूचना करके चल जाए। ग्रामीणों ने ग्राम सभा की बैठक में चौकीदार को भी तलब किया और सूचना नहीं देने की शिकायत की। कोटवार ने अपनी गलती पर माफी मांगी और आगे से सही समय पर सूचना देने की बात स्वीकार की। कोटवार भी रोड़ी नहीं पीटता किसी भी कार्य की राम होती है तो मीटिंग मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी गलती तो तेरी, अब यहाँ पंचायत के अंदर देखी जा रही है, तू घर घर साले कहीं कहीं घूम घूम के दारू पी लेते, मजा उतर गया है कि तूने कहानी बताया, जो भी गलती हो या इंडिया ऐसी गलती नहीं होगी, जो भी सरपंच साहब ने पहले से और आपका कर्तव्य है कि शाम सुबह आप पंचायत की मतलब जानकारी लेंगे कि भाई कोई मेरी कोई सूचना देने की कोई खबर तो नहीं है, आपका काम है सुबह दो मिनट आके सचिव से जानकारी लेके जाएंगे आप शाम को या सुबह, मतलब आपको जब भी टाइम मिले, ये नहीं कि दिन भर हम आपको बुला रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। खड़े होके बात करो, वो तो बात करने से कुछ भी होगा, कोई भी पंचायत की मीटिंग में अगर शराब पी के आएगा तो उसको दंड रखा जाए, 101 रुपए दंड। ए भाई जरा सुन ले, दो मिनट सिर्फ, शराब पीने वाला खराब है और शराब कौन निकालता है, भाइया निकालती है, नर पीता है जामने के अंदर में, और भाई कहती बुरा है दारू पीने वाला, सच बोलो, झूठ मत बोलना, झूठ बोले उसका नाश हो जाएगा, कौन निकालता बताओ, कौन निकालता है भाई, अब मैं आगे नहीं बता, अब ये शराब भी बंद होना चाहिए, बिल्कुल जामने के अंदर, अगर शराब निकलेगी नहीं दारू निकालेंगे नहीं तो है ना, पूरी भाई निकालती जामने के अंदर, आप पीएंगे नहीं, वो भाई और निकालती वो संकल्प ले और नर पीता है और वो पूरा दिखता है, आज के बाद कोई भी शराब निकाल के नहीं बेचेगा, अगर बेचता है तो ये गांव में दुकान नहीं लगता तेरे मौका का, ये हां ठीक है भाई, अब ये उनने कह दिया भाई और बनाते हैं सब बात कर यह पहली बार हुआ कि जब ग्राम सभा की बैठक में किसी महिला सरपंच को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। असल में यह सम्मान सिर्फ सरपंच का नहीं है, बल्कि गांव की उन सभी महिलाओं का सम्मान है जिन्होंने गांव के विकास की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी का आगाज कर दिया है।